जो कि परसों टंकी फुल कराई थी, दो दिन तबीयत खराब थी, मैं आया नहीं और भाई पूरे दिन दौड़ाई है। अब मैं कह रहा हूँ टंकी तो कह रहा मम्मी से बता के आया था, अबे भाई मम्मी से बता के आया था, मुझे बताएगा कि पूरे दिन भर दौड़ाई है। ये देखो अभी स्टार्ट, और क्या एक ओला। तो भाई एक बोतल आ चुकी है, रिव्यू फर्स्ट कैसा लगा भाई कंपनी में से बुला के? मेरी मीटिंग भाई आ तो जा, वहां तक तो आ जा। दोस्तों स्कूटी का हो चुका है पेट्रोल खत्म यार, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम खड़े हुए सेक्टर 62 चौड़ाई पर, जहाँ पे पेट्रोल मेरी स्कूटी का निकल खत्म हो चुका है, पता नहीं था। हमारी पेट्रोल जो आज बहुत लंबी दूर से चल के आ रही है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अरे बाबा वे भाई, और बड़ी बोतल ना चली तेर से भाई, तेर से बड़ी बोतल ना चली, अबे यार लौंडे ने मूड खराब कर दिया, इतनी सी बोतल लाया है, इतनी सी बोतल का साइज देख रहे हो भाई कितना बड़ा है, ये देखो छोटे पौवे से भी ज्यादा छोटी। क्या कर रहा है भाई, निकल भी रही है ना निकल ली? तेल बहुत डलवाता हूँ, दो तीन दिन से घर से बाहर नहीं निकला, टंकी फुल थी, और ये अंकित और ये ले गए हैं दोनों वहाँ से और ख़त्म करके लाए हैं। और क्या एक ओला। तो भाई एक बोतल आ चुकी है, रिव्यू फर्स्ट कैसा लगा भाई कंपनी में से बुला के? मेरी भाई आ तो जा, वहाँ तक तो आ जा भाई, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं पेट्रोल लेके, स्कूटी में फिनिश हो गया था, अब दाद देखते हैं भाई, बुलाया भाई को परेशान कर दिया। और ये देखो मीटिंग छोड़ कर आया, ये खड़ी हुई है हमारी ले भाई पकड़ियो, ये देखो मीटिंग छुड़वा के ये शख्स गाड़ियों में तेल डलवाते नहीं है भाई, गाड़ी तो टंकी फुल होती है यार, लेकिन तुम जैसे भाइयों की मेहरबानी है ना। ये देखो छोटे छोटे बहुओं में ये तो खाना खिला दिया, कैसा लग रहा है अब इंतजार करके एक घंटे? मुझे कैसा लग रहा है ना, ये अंकित से पूछ लो, जो कि परसों टंकी फुल कराई थी, दो दिन तबीयत खराब थी, मैं आया नहीं और भाई पूरे दिन दौड़ाई है। अब मैं कह रहा हूँ टंकी तो कह रहा मम्मी से बता के आया था, अबे भाई मम्मी से बता के आएगा, मुझे बताएगा कि पूरे दिन भर दौड़ाई है। ये देखो अभी स्टार्ट की जाएगी, चलो इसको स्टार्ट कर लो। ये हाई बीच हाईवे का सीन है, ये देखो मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग हैं ये। नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई, ये हो गई फाइनली। चलो तो हे गाइस, हम आ चुके हैं अपने फ्लैट पर और यहाँ पर हम आज लगवा रहे हैं कर्टन, पर्दों का काम होना है क्योंकि जो यहाँ पर हमारे किराएदार रहते हैं वो डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारे पर्दे भी लगवा दिए जाए, तो दिवाली आ रही है थोड़ा अच्छा लगेगा और हम पर्दे लगवा देते हैं। ये हमारे मोहित भाई, बढ़िया सी बनाना। हाईवे पर इधर खड़े होने के बाद हम दोस्तों हमें लग गई थी काफ़ी तेज भूख, तो हमने सोचा सैंडविच वाले पे चलते हैं और सैंडविच बनवाते हैं, तो हमने बढ़िया सा टेस्टी सा एक सैंडविच बनवाया जो
जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का भाई ने सैंडविच हमें बना के दिया। हमारा पेट भर गया और फिर हम यहाँ से सैंडविच खाकर निकल जाते हैं। हमने सैंडविच की फ़ोटो और इमेज नहीं क्लिक करी थी क्योंकि पब्लिक प्लेस में थोड़ा अभी हमें वल्गर लगता है, न्यू ब्लॉगर को है हम, इसीलिए अच्छा नहीं लगा था। तो हाइवे पे पेट्रोल आज ख़त्म हुआ, मेरा मूड ख़राब हो गया था दोस्तों, और इस वजह से ये जब मैं सैंडविच खा रहा हूँ ये कम से कम 4:30 बजे का टाइम है, जबकि मैं हमेशा मेरे लंच का टाइम 1 से 2 के बीच में होता है। बहुत ही रेयर केस होता है जब मैं अपना लंच का टाइम मिस करता हूँ, क्योंकि मुझे खाना यार टाइम पर चाहिए, अगर खाना टाइम पर नहीं मिलेगा तो मेरा सर दर्द हो जाता है। तो आज हम 4:30 बजे 5 बजे के आसपास ये सैंडविच खा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आप समझ ही सकते हैं सैंडविच कितने बजे तक लग सकता है। तो ये चीज़ ग्रिल सैंडविच भाई ने बना के दिया जो कि बहुत ही टेस्टी था यार, और भाई ने बहुत ही ना अच्छे तरीके से सैंडविच बनाया भी, क्योंकि मैं सिंगल बंदा था भाई के पास में, शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती है तो ऐसा नहीं था, इसीलिए सैंडविच की मैंने वीडियो बनाई कि भाई किस तरीके से सैंडविच बना रहे हैं, बहुत ही तसल्ली पूर्वक जिसे कहते हैं उस तरीके से भाई ने हमें सैंडविच बना के खिलाया था। तब हमारी थोड़ी भूख शांत हुई और फिर हम यहाँ से निकल गए अपने एक भाई के पास। ये हमारा भाई है और यहाँ पर काम चल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर भाई के पीछे बैठा हुआ हूँ रूम पे, और फिर यहीं आके हमने टाइम पास किया है। उसके बाद में फिर हम देखने लगते हैं भाई की शादी की वीडियोस, और ये आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत ही पुराने कुछ मित्र हैं जो स्कूल टाइम के मित्र हैं, और जो भाई बैठा हुआ है इसी की शादी में हम लोग गए थे, तो बुग्गी पे बैठे हुए और हम सारे लोग कैसे बच्चे लग रहे हैं यार, उन्हें देख देख के हमें बहुत सारी हंसी आई और मैंने वो वीडियो जो है अपने फ़ोन में कैप्चर कर ली, चलो आपको दिखाएंगे। और ये सारे अगर मेरे फ्रेंड्स कभी वीडियो देखेंगे तो काफ़ी हंसेंगे कि यार ये वीडियो 2012 की वीडियो है, जो कि काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक अब 2023 चल रहा है, तो काफ़ी 2010 से 2011 आई थिंक जब की वीडियो है, तो बहुत टाइम हो चुका है जो शादी में नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं अपने घर के लिए निकला हूँ, तो रास्ते में ये मुझे मिला ओप्पो का, इसके अंदर एक ना बच्चा घुसा हुआ था जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहा था रोड पर, बहुत सारे बच्चे इससे मज़े ले रहे थे, तो ये कोई नॉर्मल एयर वेयर वाला नहीं था, एयर थी इसके अंदर, और इसके अंदर एक बच्चा घुसा हुआ था पीछे से इसकी जिप खोल के, और वो इन बच्चों के साथ में काफ़ी मज़े ले रहा था, मुझे बहुत फ़नी लगा ये, तो मैंने वही वीडियो कैप्चर करी। और सामने से हमने जलेबी परचेज़ करी, जलेबी परचेज़ करने के बाद हमें अपने घर आए, डॉगी मिला, और सबसे पहले हमने डॉगी को जलेबी खिलाई, और हमारा डॉगी जो है जलेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो सबसे पहले जलेबी ये खाता है, और इसको जलेबी खिलाने के बाद में ही हम लोग कुछ खाते हैं। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि घर में कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले हमारे डॉगी के लिए होती है, और उसके बाद में हम लोग उसमें से खाते हैं, तो ये हमारे घर का रूल है, सबसे पहले जानवरों को खिलाते हैं उसके बाद खुद खाते हैं।